The opposition has time and again raised save Samvidhan, save democracy pitch. In fact, during the Lok Sabha elections, this was the central theme of their campaign. They've accused Modi government of misuse of central agencies to intimidate opposition and settle political scores. Today, the Prime Minister responded to the opposition's charge while participating in debate on motion of thanks on the President's address. Listen in. जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है ऐसा कहा गया है. भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को. ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है. दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके शहजादे, उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं. मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूं. ये पहला बयान है 2013 का. कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी. कांग्रेस, सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है. ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का. सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है. ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है. All right, let's open this up. Let's go across to our guests. We're joined by Tom Varakkan, national spokesperson of the BJP. We have JVC Sriram, political strategist and commentator. Vijay Kaushik, Congress leader, and Tariq Khan, the national spokesperson of the Samajwadi Party. Good evening to all of you. Vijay Kaushik ji, aapka jawab sabse pehle, kyunki dohrane ki mujhe zarurat nahi hai. Aap Congress, Congress left, मुलायम सिंह ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर क्या कहा था, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने रखी. देखिए, प्रधानमंत्री ने जो झूठ बोला है वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली नीति के तहत उन्होंने देश को बरगलाने के लिए बोला है. उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बारे में ऑन रिकॉर्ड ये साबित हो चुका है कि देश के पूंजीपतियों पर सीबीआई ईडी की रेड डाली गई. उसके बाद जैसे ही उनसे चंदा लिया उनके खिलाफ जांचें हवा हो गई. हरियाणा में एक नेता के ऊपर सीबीआई के मुकदमे दर्ज किए गए और जब वो नेता बीजेपी में शामिल हो गया तो बाद में उन मुकदमों से भी बरी हो गया. इसी तरह अशोक चव्हाण का मामला हो, चाहे आप अजीत पवार का मामला ले लें, नहीं तो फिर फर्क क्या है? विजय कौशिक जी, प्रधानमंत्री थोड़ी ये बातें कह रहे हैं. डिड द कांग्रेस नॉट डिमांड एक्शन अगेंस्ट आम आदमी पार्टी? डिड राहुल गांधी नॉट डिमांड एक्शन अगेंस्ट द केरला चीफ मिनिस्टर? क्या जो प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह के बयान के बारे में कहा वो गलत है? नहीं, देखिए, मुलायम सिंह की जहां तक बात है तो मोदी जी इस मामले में केवल राजनीति कर रहे हैं. ये वही मोदी जी हैं जो उन्हें राम भक्तों का हत्यारा कहते थे और मरणोपरांत उन्हीं मुलायम सिंह यादव को उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया. ओके, लेट मी ब्रिंग इन टॉम वड़क्कन इन दैट केस. टॉम वड़क्कन, द बीजेपी इज अक्यूजिंग द ऑपोजिशन ऑफ बीइंग करप्ट व्हेन द बीजेपी इटसेल्फ लेवल्स एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड देन inducts them into the party, and once again that washing machine jibe at the BJP. How do you respond? Nobody has entered the Bharatiya Janata Party with and who is has a baggage as the investigation stopped. The investigations are on. The independent investigating agencies handle case by case. It is a long process. And the due process of law will be followed. Let me make it candidly clear. Second, this whole issue about the Aam Aadmi Party and the Congress, this cocktail combination with the Prime Minister spoke about, is clearly in public domain.
The reality is the first complaint against AAP came from Congress. And then it followed with the matter being taken to court. And the matter was processed in the court, and whatever justice is being given to them is a product of the Congress complaint. Either the Congress complaint is wrong, or the prosecution All is right. wrong. All so right. During the election campaign, during the Lok Sabha political campaign, the opposition kept saying agencies being misused. And inside the parliament as well, similar issues were raised. The Prime Minister responding to all of them said that the CBI was called a cage parrot during the UPA era. It's the allies of the INDI leveling allegations against each other and sitting next to each other, part of this alliance. We're taking a very short break on the broadcast. Stay on with us.